स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुमने अपने पापा को ये बताया कि मैंने तुम्हें कहा अबॉर्ट कराने के लिए क्योंकि तुम्हें लड़की होने वाली है? आर यू सीरियस? सो व्हाट? कुछ तो कहना था ना। कैसी औरत हो तुम, एक बाप को अपनी बेटी से दूर कर दिया। लिसन, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पे, सो जस्ट गेट लॉस्ट एंड गो फ्रॉम हियर। तुम उसके कुछ नहीं रखते। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा को तो पता चले कि उनकी बेटी ने उनकी दौलत पाने के लिए क्या क्या किया है। भाई जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। और देख लो, ये फूल अगर कम पड़े तो और मंगवा लेना। अरे गोपी जल्दी कर, तो पंडित जी को कितने बजे का टाइम दिया है? ओ नमस्ते, कैसे रेडी हो गए आप लोग? जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस त्योहार का हिस्सा बनाया। अरे क्या बात कर दो रमन, ये तो घर की बात है। चलो चल के मूर्ति लेके आते हैं क्योंकि 4 बजे से पहले स्थापना करने का मुहूर्त है। जी बिल्कुल। पूजा सर, बच्चों को साथ ले चलिए। बच्चे तो, अरे ये तो पहले से एक्साइटेड है, देखो पहले से तैयार है जाने के लिए। पापा, I'm really sorry. I mean you guys carry on. मुझे अभी कुछ काम है तो I can't come with you all. पूजा मैम, प्रसाद तो अभी तक आया नहीं, आपने ऑर्डर दिया था क्या? What's wrong with you? अब याद दिला रही हो मुझे? हाँ अब क्या करें? एक काम करो, ड्राइवर को पैसे दो और जल्दी वो लेके आएगा। जाओ। मैम आज कुकड़ी को मोदक चाहिए और उन्हें पहले ऑर्डर देना पड़ता है, ऐसे कहाँ मिलेंगे? उखड़ी के मोदक ना मैं बना दूँ? ये वही मोदक होते ना जिसमें गुड़ और नारियल डलता है, हम तमिलियंस में भी वैसा प्रसाद बनता है, तो मैं बना देती हूँ, वही होता है ना ये? हाँ हाँ यही है। हाँ तो आप अपना काम करने जा सकते हो, मैं बना दूँगी। थैंक यू सो मच। लेकिन मूर्ति लेने जा रहे हैं ना हम लोग तो। कोई बात नहीं ना, बच्चों के साथ जाओ, प्रसाद बनाना ज्यादा जरूरी है, मैं बना देती हूँ। चलो ठीक है, हम चलते हैं मूर्ति लेने के लिए। वो पूजा की गाड़ी और ड्राइवर यहीं पर है, अगर आपको मार्केट जाना होगा कोई शॉपिंग करने के लिए तो जरूर जाइएगा। जी थैंक यू। अच्छा मोदक के लिए सारा सामान है ना घर पे? वो क्या है ना, मुझे पता नहीं है, आप खुद ही चल के देखिए ना। हाँ जो भी प्राइस हो राकेश जी, मुझे आज मुंबई की 2 टिकट चाहिए, मुझे आज किसी भी हालत में बॉम्बे पहुँचना है। रूही हमारी मुंबई की टिकट बुक हो गई, हमें कुछ ही देर में निकलना होगा, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। कल शाम गाड़ी नीचे निकालो, इशिता मैम और हम आ रहे हैं। हाँ उसे बाहर की तरफ रेडी रखना। ठीक है। क्या मैम दरवाजा नहीं बंद करना? आज दरवाजा बंद नहीं करते, आज गणेश जी का अंदर प्रवेश होता है ना, तो आज दरवाजा खुला रखते हैं। कोई बात नहीं, आ चुके। पसंद हो गया? हाँ। वाह भाई फाइनल कर लिया। बाकी बहुत सुंदर। पैसे दो ना। हाँ दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। अभी पैसे दो ना। ये पहली बार हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो क्या इस मूर्ति के पैसों में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी? बिल्कुल रमन, इसमें पूछने की क्या बात है। और डेकोरेशन का क्या होगा रिया? मेरे घर पे ना बहुत सारी डेकोरेशन के आइटम है, तो हम उससे करेंगे, जैसा तुम चाहो वैसा करना। पहुंच गया हूँ। हाँ सब कंट्रोल में है, काम हो जाएगा। काम हो गया? हाँ शंकर काम हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें चाहिए। तो दिखा मोदक उठा के देखो। क्या? मोदक उठा के देखो। वाह।
दरवाजे बंद कर। मैं तुम्हारे कमरे नहीं आ रहा था। दरअसल मैं पहले पूजा से अकेले मिलना चाहता हूँ और इस वक्त तुम अपने पेरेंट्स को कुछ मत बताना। मैं जल्दी में तुमसे आके मिलूंगा। लेकिन एक सेकंड रुको। देखो इशू, मैं सब में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो मिस्टर ग्रेवाल से बात कर सकती है, हो सकता है वो तुम्हें और रिया को भी। नहीं रोहित, मैं रिया की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहले पूजा से बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे नजर मिला सकती है या नहीं। और रोहित, ये मेरी खुद की लड़ाई है, प्लीज मुझे अकेले लड़ने दो। निखिल, यहाँ तो कोई नहीं, सब कहाँ गए? जी पापा, आप आ जाइए, तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। ओके। नहीं नहीं साहब, साहब मूर्ति लेने गए हैं, घर पे सिर्फ पूजा मैम है। जी बात करा दूं मैं आपकी? पूजा, तुम यहाँ कैसे? किसने बताया तुम्हें? You know what? आज सवाल मैं करूंगा और तुम जवाब दोगी। रिया कहाँ? रिया पापा के साथ गई है गणपति की मूर्ति लाने। लेकिन तुम कौन हो? जस्ट शट अप। मैं चाहता हूँ कि रिया मेरी बेटी है। कोई गलत फहमी हुई। एंड शी इज नॉट योर। झूठ बोलना बंद करो बस। इतने साल से झूठ ही बोलते आई हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें तो बच्चा नहीं चाहिए था ना, फिर जन्म क्यों दिया तुमने? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हें तो अबॉर्शन कराना था ना। हाँ, नहीं चाहिए था मुझे बच्चा। बच्चा होता तो मुझे तुमसे बांध देता। तुम कमाते नहीं थे, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। ऐसी जिंदगी में मैं रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पापा के पास चली आई थी। मुझे लगा पापा मेरी मदद करेंगे वो बच्चा गिराने में, लेकिन पापा ने भी मेरी मदद नहीं की। ये फोर्स मी टू हैव द बेबी। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो मुझे दे देती, मैं पाल लेता उसे। पापा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। अगर मैं बच्चा तुम्हें दे देती तो मुझे सिंपति कैसे मिलती? हाँ, तुम्हें पता तुम क्या बोल रही हो? तुम सुन सकती अपने आ, तुम? हाँ। मुझे अच्छी तरह से पता मैं क्या बोल रही हूँ। औरत हूँ, माँ बनना मेरे डीएनए में पहले से तय है, राइट? पर नहीं था शौक मुझे बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना। नो, पापा ने मुझे और रिया को वो लाइफस्टाइल दी जो तुम कभी नहीं दे पाते। आना ही टूट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। तुमने अपने पापा की सिंपैथी पाने के लिए मुझे विलेन बना दिया। तुमने अपने पापा को ये बताया कि मैंने तुम्हें कहा अबॉर्ट कराने के लिए क्योंकि तुम्हें लड़की होने वाली है। आर यू सीरियस? सो व्हाट? कुछ तो कहना था ना। कैसी औरत हो तुम, एक बाप को अपनी बेटी से दूर कर दिया। लिसन, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पे, so just get lost and go from here. तुम उसके कुछ नहीं रखते। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा को तो पता चले कि उनकी बेटी ने उनकी दौलत पाने के लिए क्या क्या किया है। रमन, आई थिंक तुम गणपति बापा को पहली बार ले जा रहे हो घर, तो मूर्ति तुम्हें उठानी चाहिए। जी, बिल्कुल। एक मिनट, कहते हैं कि जब तक मूर्ति जी की स्थापना ना हो और पूजा ना हो तब तक इसका चेहरा ढक के रखना चाहिए। लाओ भाई। चलो बोलो गणपति बाप्पा। मारिया। हाँ भाग जा रहे पीहू। ए,
बच्ची है ना, वो दिखाई नहीं देता आपको? अरे बच्ची है ना तो घर पे रखना उसको। यहाँ क्या दौड़ लगा रही है? यार से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? बच्ची से बात करनी तमीज दी तुम्हें? ये देख, तेरे को पापा को घर पे लेके जाना है क्या? तो तेरे को देख लेता यहीं पे। पापा कहीं नहीं जा रहे, रखना। मेरे को हिकड़ी दिखाता है तू? ए, ज्यादा शाणा बनने की कोशिश मत कर। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा? मैं तेरे को दिखाऊंगा क्या करेगा तू? देखो अभी बच्ची से बात नहीं, तभी तू क्या ऐसा नहीं करिए। साहब लोग, साहब लोग, अरे पप्पा के दिन ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। पप्पा का नाम लो और आगे बढ़ो। बच्ची से बात करने की तमीज नहीं आपको लगी हुई बेटा? मम्मा तो अंदर है बेटा, और रिशिता आंटी तो बाहर गई हुई है। अच्छा आप आरती की तैयारी करो, पापा आ गए हैं। अच्छा मैं मम्मा को बुला के। ठीक, मैं अपनी बच्ची को लेने आया हूँ और उसे लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं रिया को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। देखो तुम क्या करोगी, तुम्हारे पापा को मैं सब सच बता दूंगा कि तुम बच्चा नहीं चाहती थी। कितने साल मुझे उससे दूर रखा, मैं तरस-तर अपनी बच्ची के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बच्ची जिंदा है या नहीं। तो अभी भी यही सोचो ना कि तुम्हारी बेटी नहीं है, तो जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर नाउ। इतनी आसानी से नहीं पूछा, तुम्हारी असलियत तुम्हारे पापा के सामने ला कर रहूंगा मैं। देखो अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें कानून का इस्तेमाल करना आता है? मैं उसी कानून का सहारा लेकर अपनी बेटी को पा कर रहूंगा। वही कानून एक बाप को अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता है। क्या ये मेरे पापा है? काश मैं उनको देख सकती। अरे पूजा, वो आरती की थाली कहाँ है? रिया आई तो थी तुम्हें बताने के लिए ऊपर। अरे रिया तो अंदर ही नहीं थी, मैं अभी देख के आती हूँ। रिया! क्या हुआ पूजा, रिया को देखा नहीं तुमने ऊपर? रिया ने निखिल को देख तो नहीं लिया। रिया तुम यहाँ क्यों कर रहे हो इतनी छुपके? रिया क्या हो गया? पीहू तुमने उस आदमी को देखा जो अभी अभी यहाँ से गए? नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा, वो मेरे पापा थे। क्या तुम्हारे पापा वो इधर आए थे? हाँ पीहू मेरे पापा यहाँ आए थे, लेकिन मेरी मॉम ने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं, उन्हें उनसे मिलने ही नहीं दिया। मुझे उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, लेकिन मैं नहीं देख पाई। उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं मेरी मॉम ने। रिया बेबी जल्दी आ जाओ, गणपति पापा को अंदर लाना है। रिया डोंट वरी, अगर तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं ना तो वो जरूर आएंगे तुमसे मिलने। देखा गणपति पापा ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली ना, अगर तुम वापस प्रे करोगी तो गणपति पापा तुम्हारे पापा को तुम्हारे पास भेज देंगे। वो मेरी विश पूरी करेंगे। यस स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.